टेंशन है, उस टेंशन को भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ठीक है। मैं एकदम ज्यादा इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के लिए बन रहा है। आप चाहें तो अपने परिवार के लोगों के लिए बनाने के लिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैंने ये रॉक सॉल्ट डाला है, आप जो भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं वो करिए। यहाँ पर इसमें हमें डालना है अजवाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला और यहाँ पे हम डाल रहे हैं ऑयल मोयन। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हम एक्चुअली में बना क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑयल मैं 2 से 3 चम्मच ले रही हूँ ताकि इसको मोयन अच्छा आए, खस्ते बने, क्योंकि हम बना रहे हैं समोसे। ओके, तो दोस्तों देखिए, एक हाथ में कैमरा रखना और एक हाथ से ये आटा गूंदना पूरा पॉसिबल नहीं है, बट मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी ऑयल है उसको हमको आटे के साथ में पहले अच्छे से जो भी हमने इसमें डाला उसको मिक्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं, ये जब मिक्स हो जाएगा पूरा ये अच्छे से हो जाएगा तब ये जो है ये अभी बाइंड नहीं हो रहा है, पूरा प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, बाइंड होके ऐसे लड्डू के जैसा शेप आता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें तेल की मात्रा सही है। इनकेस अगर आपका फिर भी बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें तेल डाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हमको पानी लेना है और पानी से इसका डब तैयार करना है। यहाँ पे डब तैयार किया है और ये टाइट है, इसको टाइट रखना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको रैपर थोड़ा प्लास्टिक में डालकर थोड़ी देर हमको रहने देना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर। टिल दैट टाइम मैंने आलू बॉइल कर लिया है, तो इसे हम काटेंगे और इसका स्टफिंग तैयार करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। और इसी सब के चलते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं और खाना वेस्ट हो रहा है तो उसके लिए हल, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर यहाँ पर आपके पास में थोड़ा भी राइस लेफ्ट ओवर हो जाता है, जैसे कि मेरे पास में लेफ्ट ओवर था तो मैंने अभी उसका क्या किया है, क्योंकि मैं हर बार क्या करती थी, फेंक देती थी। कोई जानवर नीचे मिलते नहीं है यहाँ पर, हमारे छोटे सिटी में क्या होता है ना, जानवर घर के आसपास मिल जाते हैं, गाय कुत्ते वगैरह जो भी है, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, तो यहाँ पर तो नहीं मिलते हैं हमें, तो उसको फेंकने से बेटर मैंने सोचा कि उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो अभी जैसे कि मैंने इसी चावल का यहाँ पर बढ़िया बना दिया, जो भी लेफ्ट ओवर राइस था उसमें हमने नमक डाला, मिर्च डाला और उसके बॉल्स बनाए और उसको ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद जब ये प्रॉपर अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप उसको फ्राई करके खा सकते हो और ये जस्ट लाइक अ पापड़ आपको यूज हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। और एक और चीज दिखाना चाहती हूँ मैं, ये क्या है ना, जब हम सिक्किम गए हुए थे तब हम लोगों ने खाया था गुंदरू, जो कि मिथिलेश बाबू को बहुत पसंद है। तो मिथिलेश बाबू के लिए मैंने क्या किया कि ये जो पत्ते होते हैं ना मूली के लीव्स, उसको ड्राई करके रखा है। गुंदरू फर्मेंटेड फॉर्म होता है मूली के लीव्स का और भी कुछ कुछ लीव्स का, लेकिन इसमें ज्यादा जो टेस्ट आ रहा था वो मूली के लीव्स का ही आ रहा था। तो अभी फिलहाल जो मेरे पास 2-3 ऐसे बंडल में था मूली का लीव्स, तो मैंने उसको भिगा मतलब धोया, उसके बाद में ड्राई करके स्टोर कर लिया है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, इसकी या तो सब्जी बना सकते हैं या किसी चीज में डाल सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी सब्जी को सुखा करके यूज कर सकते हो ताकि वो स्टोर हो जाए और उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे बैंगन का होता है और भी कई पत्तों का होता है, इसका होता है मूली का। तो ये सारी चीजें हैं जब आपके पास में सामान अवेलेबल नहीं है और आपको स्टोर करके कोई चीज को रखना है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं अभी हो गया है पूजा, मैं पूजा करके आ गई हूँ इवनिंग की, और यहाँ पे टेटली हॉट है यार हैदराबाद, और अभी किचन पे खड़े होने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ पंखा या कूलर ला के मैं सामने रखूँ और खाना बनाऊँ।
एनी हो, अभी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर स्टफ तैयार करना है, तो स्टफ के लिए मैंने अभी प्रिपरेशन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे आलू छीले हैं अभी, क्योंकि मैंने आटा इतना ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने चार ही आलू छीले। मैंने आप चाहो तो जितना आप डालना है उस हिसाब से आप अपने आलू देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है जिसको मैंने क्रश किया है। क्रश इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मुँह में आ जाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी थी मैं, तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे पास में लहसुन आएगा तो मैं इसको फाइंड आउट करके निकाल सकती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसे कोई बच्चे जो लहसुन नहीं खाते हैं ना, उनके लिए ये ट्रिक अच्छा है। नेक्स्ट ग्रीन चिली है जिसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। यहाँ पे अनियन है जो छोटे छोटे चॉप कर लिया है। अभी हमको आलू और इन सबसे बनाना है अपना स्टफ। तो यहाँ पे हो गया है, मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम उसकी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं किसी करी में, तो हमने ये यूज़ किया। आप चाहो तो आपकी मर्जी से कोई रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पीनट्स, और ये पीनट्स इसलिए मैं ले रही हूँ कि पीनट्स फ्राई करके निकालेंगे, उसको हम आलू में मिक्स करेंगे, ये हमारे जो स्टफिंग है उसमें डालने के लिए, इसलिए इतना मैंने तेल लिया हुआ है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पीनट्स पक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी समोसे के साथ खाने के लिए आप कौन सी चटनी प्रेफर करते हो, वो चटनी भी बना सकते हैं साथ में। मैं तो इमली की चटनी बना रही हूँ अभी फिलहाल। देखिए मैंने इमली जो है पानी में डिप करके रख दिया है, 10-20 मिनट्स में जो है इसका जूस हम निकाल करके इसकी चटनी बना लेंगे। और फिलहाल अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, लहसुन डाला है और मैं इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगी चटकी भर हींग। ओके, हींग डालने के बाद में हम इसमें जो है डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा के साथ साथ मैं सरसों के दाने भी डालूँगी। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरा, सरसों और जो लहसुन है वो हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगी इम्पोर्टेंट होता है करी लीव्स, ठीक है। मेरा मानना है कि आपका जो स्टफिंग है इतना अच्छा बनता है समोसे इसमें टेस्टी होती है। देन एज आई टोल्ड ग्रीन चिली इम्पोर्टेंट, हमरे के साथ बनाना एक देखिए मैंने कैमरा जो है वो स्टैंड पे प्लेस नहीं किया है, मैंने उसे एक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल आपके यहाँ पर नहीं कर पाती। थैंक यू मैनेज। मैंने यहाँ पे थोड़े देखे दो छोटे छोटे प्याज लिए जो कि काफ़ी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली आलू में मुझे अच्छा टेस्ट आया है इसलिए मैंने यहाँ पर इतने प्याज लिए। इसमें अच्छा टेस्ट आएगा अगर हम अच्छे से इसको धोलेंगे। प्याज को अपने को गोल्डन ब्राउन छोड़ दे रहे हैं एकदम ज़्यादा, इसको हम ब्राउन नहीं करना है। और टिल दिस टाइम तेल में ही मैं सब्जी डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून, तो इसलिए इसलिए जो है तेल से अच्छी होगा और जब आगे ऊपर ही बना तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। मैं कलर अच्छा आने के लिए हम वेट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ मसाला एकदम ऐड नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लाल मिर्च को डालेंगे, अपने प्रेफरेंस से डालेंगे, ज़्यादा कम जैसा आपको पसंद है कर लेते हैं। ये सब प्याज ही मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए, तो मसालों पे एकदम ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये है पीड़ा, और ये पूरे टुकड़े का धनिया, इसमें गरम मसाला भी डाला जाता है। ओके, आप प्रेफर करते हो तो डालो, नहीं करते हो तो आप इतने मसाले में भी काम चला सकते हो। आप जो पाउडर डालिएगा या तो चाट मसाला डालिएगा। तो गाइस देखिए, तो सारे मसाले वगैरह डाल के अभी मैंने इसको मिक्स किया है और तो ये ऐसा दिखने लग गया है। इसमें नमक डालना मत भूलिएगा, मैं आपको नमक बताना भूल गई थी। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब जो अभी फिलहाल मेरे पास कुछ अवेलेबल है वो है पुदीने के पत्ते, तो ये मैं पुदीने के पत्ते इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। पुदीनों के पत्तों से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, तो ये डाल के ठीक हमें मिक्स करना है और उसके बाद इसको ठंडा होने में छोड़ देना है। जब ठंडा हो जाएगा
फिर हम इसके लिए इसका कवर तैयार करके उसमें स्टफिंग करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर अभी देखिए हम इसके कवर बनाने के लिए कर रहे हैं। इसको हमको ओवल शेप में बेलना होता है, ठीक है। आपसे जितना ये बेला पाए उतना बेलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको एकदम राउंड करना है, क्योंकि हमको कोई पूड़ियाँ नहीं तलनी है। तेल भी हमने गर्म करने के लिए यहाँ पर रख दिया है टिल दैट टाइम, ठीक है। तो अभी ये एक बार ये हो जाए, सारा जो एंड है वो चारों तरफ बराबर होने के बाद में इसको कट करना होता है। तो इसको बीच से ऐसे काटना है, ठीक है। ये काटने के बाद में इसको फोल्ड करना रहता है। ये मैंने छोटे समोसे बनाए हैं, आप लोग जितना बनाना चाहो उतना बनाओ। पीछे नीचे से सबसे पहले लॉक करो, इसको लॉक करना है ताकि इसके बाहर आलू ना निकले जब आप तेल में डालोगे। तो ये लॉक करके हमने इसकी पुंगड़ी बना ली है, पुंगड़ी। अब इस पुंगड़ी में हमको आलू डालना है। तो देखिए मैंने दो ऐसे समोसे तैयार कर लिए हैं। हम इसको रखें ना तो ऐसे खड़ा होना चाहिए समोसा बेस बनाने के लिए, ठीक है। अभी ये तेल काफी गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है जैसे आप देख सकते हो। मैंने इसको स्लो डाउन कर दिया है, इसको स्लो कुक करना है, और धीरे धीरे कुक करोगे तब ये धीरे धीरे रेड होते जाएगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ, धीरे धीरे हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। गया एक समोसा, गया दूसरा समोसा। अभी ये क्या है, तेल बहुत ज्यादा गर्म है तो जल्दी जल्दी रेड हो जाएगा, निकालना नहीं है, तेल पूरे कम आंच में करना है। और यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करी है तो इसका जो टेम्परेचर होता है काफी जल्दी गर्म हो जाता है। आप लोग लोहे की कढ़ाई यूज कर रहे हो तो कम आंच करो, और उसके बाद में धीरे धीरे समोसे छानिए। तो दोस्तों बन गया है अभी समोसा हमारा, और वही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। तो काइंडली प्लीज देखिए, समोसे एक नंबर बने हैं आज। जो मैंने आलू में जो पुदीना डाला, इट वर्क सीरियसली। आज समोसे ऐसे लग रहे हैं ना, जो हम शॉप में खरीद के खाते हैं ना वैसा वाला समोसा इसका फील आ रहा है। इट्स रियली वेरी टेस्टी। तो आप लोग जब भी डालोगे आलू पे वर्कआउट करिए, आलू जितना अच्छा रहेगा समोसा उतना टेस्टी रहेगा। डैम टेस्टी।